कवर्धा जिले के चिल्फी पुलिस ने ट्रक से 334 किलो गांजा तस्करी करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की बाजार कीमत 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सोमवार को चिल्फी थाना क्षेत्र के एमपीसीजी बॉर्डर पर पुलिस गाड़ियों की चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान चेक पोस्ट में एक ट्रक रोका गया। गाड़ी में ज्वार तिवरा दाल का छिलका भरा हुआ था। ड्राइवर से पूछताछ में ओडिशा से बरहमपुर से माल लेकर उत्तर प्रदेश से इटावा ले जाना बताया गया। पुलिस को ड्राइवर की गतिविधियां संदिग्ध लगी। पुलिस ने जब ट्रक में भरे माल को चेकिंग की तो अनाज के बीच 13 बोरों में गांजा भरा मिला। कहीं ना कर रहे लेके ही आए थे। एक दो दोबारा कर रहे हो? पहली बार कब किए थे? वो तो टाइम हो गया, डाबरी कर रहे थे। हाँ, डाबरी कर रहे थे जो ड्राइवरी कर रहे थे तब। कितने साल पहले की बात है? ये उठाया कहाँ से सामान? भाई उड़ीसा से। उड़ीसा में कहाँ से? बरहमपुर से आगे से रास्ते में से लोड किया था, यहाँ से ये माल लोड किया था। हाँ, उससे आगे से। फिर आगे से पहले इसको लोड किया, फिर सामान लोड किया? नहीं नहीं पहले माल लोड, पहले माल लोड किया फिर इसको लोड किया। तो इसको कैसे मालूम चला कि उस आदमी से बात कैसे हुई आपकी? वो वहीं पे ही पार्टी हो जो हमको तो ये माल वहाँ पे पिकअप में लेके आगे डाल गया था गाड़ी। और इसको कहाँ छोड़ने वाले थे? उधर ही यूपी में इटावा बता। इटावा में कहाँ पे? तो कहाँ पे तो वहीं आके बताता, कहाँ पर हमें नहीं पता। और उसके लिए क्या पैसे दिए आपको सामान छोड़ने का? 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये में छोड़ रहे थे 300 किलो गांजा। लालच में क्यों आते हो भाई? बाबूजी मत मारी जाती है। बार बार कर रहे थे, बार बार तो ऐसे ईवे बिल बनाए हुए थे। किसका? ये कि जवार का। जवार तो ऐसे ही लेके जा रहे हो, इतना दूर पे जवार क्यों लेके जाएगा? जवार की तो पैदावार भी नहीं होता उधर उड़ीसा में। नहीं, जवार होता है क्या? इसका डिमांड है क्या? कहाँ बेचते हो जवार को? सर पूरी यूपी में हरियाणा सब जगह जाती है तो उसी को भर लेते। 1 लाख रुपए मिल गया ना तो प्रॉफिट हो जाता है। 1 लाख रुपए बजाने के चक्कर में किए हैं तो 1 लाख कैश दिए? कैसे दिए तुमने? वहाँ से छोड़ते तब मिलता है? पहले कोई पहले दे देता है, वहाँ डिलीवरी के बाद देते। चलो इसका पैसा कौन दिया था? इसका पैसा वो अपने पार्टी पार्टी जो जवाहर लेके छोड़ता है, ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए 1 लाख लेके उठा लिया, वहाँ सामान डाला, वहाँ पे डिलीवरी करता, डिलीवरी बोलता है। नशा भी करते हो क्या? तुम भी देख के लग रहे हो नशे में। नशे में क्या थोड़ा नींद में हो? बीड़ी का मांग कर रहा सर, बीड़ी पीने बीड़ी पीते हो? और इंजेक्शन जैसे नहीं लगाते? नहीं इंजेक्शन नहीं। गांजा? गांजे का सामान तो देश जाके पहुंचाते हो लोगों को, कितने लोग मारकर बर्बाद हो गए देखो, कितने बोरियां हैं। और वो आदमी को कॉन्टेक्ट कैसे किया? उस आदमी को कॉन्टेक्ट किया सर, वहां पर खड़े होते हैं, अपने आप आ जाते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे थोड़ा सा मर लिया हूँ, ऐसे ऐसे आ जाते हैं अपने आप ही पेट्रोल पंप सब पे आ जाते हैं। कौन सा पेट्रोल किस जिले का है? कहाँ से लेके आया? नहीं मैं उड़ीसा में। नहीं कौन सा पेट्रोल किस जिले का? उड़ीसा जिला है। बरहमपुर बरहमपुर में मोबाइल जब्त किया था? मोबाइल जब्त किसी से बात हुई? मोबाइल का उससे पूछ लीजिए किससे किससे बात हुई थी। बरहमपुर में किसके फोन पे बात की हो? सीधा सामने सामने ही है तो वहाँ पे वादी तो किसको दोगे? कैसे मालूम चलेगा? कैसे पता चलेगा? वहाँ पे जहाँ छोड़ोगे वहाँ पे वादी कैसे पता चलेगा कि वही आदमी को देना है? ऐसा है ना, वो वहाँ पर जो पहुँच के उनने कहे थे जैसे हमारा नंबर ले लिया था कि हम तुमको उसका नंबर दे देंगे तो मैं कॉल कर लेगा परसों। परसों कल हमको कॉल करता वो परसों। तुम लेके भाग जाते तो गलती से ही सा? अरे बाबू जी अब ये तो सब ऐसे ही चलता है काम, भागने पर तो कोई रिक्शे पे चलते हैं सब काम। बेईमानी का काम ईमानदारी में चलता है। देखो बेईमानी का काम ईमानदारी में चलता है, बता ही रहा है। मैं जो चीज कह रहा हूँ जी बता। बेईमानी का काम ईमानदारी, बेईमानी का काम नहीं है भैया ये तो।
देश को बर्बादी का काम है, बेईमानी तो फिर भी चलता है, बर्बादी का काम है ना ये तो। सही बेईमानी और बर्बादी में अंतर है। चलो